तो दोस्तों क्या हाल चाल है आप सबके। तो दोस्तों फाइनली इतने दिनों के बाद जो हमारी YouTube की पेमेंट थी YouTube की तरफ से आनी थी जो वो आ चुकी है। दरअसल हमारी जो पेमेंट है वो काफ़ी दिनों से होल्ड पर चल रही थी क्योंकि इस चैनल की शुरुआत मैंने पिछले साल की थी और चैनल मोनेटाइज से लेकर पेमेंट आने तक हमें जो चैनल में काफ़ी सारी दिक्कतें हुई, लेकिन इतनी दिक्कतों के बाद जो है हमारी पेमेंट है आ चुकी है। लेकिन पेमेंट कितनी आई है, कैसे आई और क्या क्या प्रॉब्लम हुई ये मैं बताऊँगा आपको बाद में। लेकिन पहले चलते हैं हम बैंक और एक्चुअल में कन्फर्म करते हैं कि कितनी पेमेंट आई और आई भी है कि नहीं आई। तो चलिए दोस्तों पहले बैंक चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम अपनी ब्रांच पर पहुंच चुके हैं, ये रही अपनी एसबीआई की ब्रांच। अभी अंदर चलते हैं और पासबुक में एंट्री कराते हैं और देखते हैं एक्चुअल में कितनी पेमेंट आई है। वैसे अंदर जो है फोन अलाउड नहीं होते, नहीं मैं आपको अंदर भी ले जाता और दिखाता। तो चलिए दोस्तों मैं अंदर जाता हूं और फिर आपको बताता हूं एक्चुअल में कितनी पेमेंट आई है। बस इनका लंच ना चल रहा हो, वैसे एसबीआई है लंच के लिए बदनाम है। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। तो भाई पासबुक में एंट्री हो चुकी है और पेमेंट कितनी आई है इसका भी पता चल गया है। वैसे जब भी आपकी कोई ऐसी पेमेंट आती है तो बैंक वाले आपसे ज़रूर पूछते हैं कि भाई पेमेंट कहाँ से आई है, कैसे आई है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मुझसे ही पूछा कि भाई पेमेंट कैसे आई, क्योंकि पेमेंट जो एक्चुअल में आती है वो आती है डॉलर में और बाद में वो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट होती है। तो बैंक वाले आपसे ज़रूर पूछेंगे भाई कहाँ से आई है, कैसे आई है, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन तो नहीं है। तो मैंने उन्होंने बताया भाई ये यूट्यूब की तरफ से आई, तो भी खुश हुए सुन के कि भाई चलो अच्छी बात है। और पेमेंट कितनी आई है मैं आपको बताऊँ घर जाके, क्योंकि भाई यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और सुबह 10:30 बजे धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो चलिए दोस्तों पहले घर चलते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में जो है कितनी पेमेंट आई है और जो भी सारी डिटेल्स थी वो सारी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब हम घर आ चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे चैनल को मोनेटाइज होने में क्या क्या दिक्कतें आ रही थी। दरअसल गूगल की तरफ से एक एडसेंस पिन आता है जो कि आपको यूट्यूब में वेरीफाई करना होता है और वेरीफाई करने के बाद ही आपका चैनल जो है मोनेटाइज होता है या एक्टिव होता है। तो हमें वो पिन तो मिल गया जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है। वो पिन मिलने के बाद हमने उसको वेरीफाई भी किया, लेकिन वो पीछे से टेक्निकल एरर के कारण जो है एक्टिव नहीं हुआ या मोनेटाइज नहीं हुआ। और कुछ टाइम के बाद जब हमने दोबारा से अप्लाई किया तो वेरीफाई भी हो गया और मोनेटाइज भी हो गया। और इसके साथ साथ आपको बैंक डिटेल्स भी भरनी होती है, यानी कि जैसे ही वेरिफिकेशन होती है मोनेटाइज चैनल होता है आपको साथ के साथ बैंक डिटेल भरनी होती है जो कि वेरिफिकेशन होती है। तो हमारे उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, लेकिन मैंने दोबारा जो है बैंक डिटेल्स भरी जो कि पीछे से अप्रूव हो गई, जिसके कारण जो है हमारी पेमेंट जो है काफ़ी लंबे टाइम से होल्ड पर चल रही थी। लेकिन अब जो है वो वेरिफिकेशन भी हो चुकी है और पेमेंट भी आ चुकी है वेरिफिकेशन के बाद। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में कितनी पेमेंट आई है। तो दरअसल YouTube की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं, जिसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। दरअसल आप अपनी पेमेंट जो है किसी को डायरेक्टली रिवील नहीं कर सकते। हालांकि कुछ बड़े यूट्यूबर्स हैं वो डायरेक्टली आपको दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं कि कितनी पेमेंट आई है, लेकिन थोड़ा सा गाइडलाइंस के खिलाफ है। और हमारा चैनल अभी इतना बड़ा नहीं है कि हम इनके गाइडलाइंस के खिलाफ जा सकें, लेकिन आप चाहें तो हमारे चैनल को बड़ा बना सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस बटन को दबाएं और हमें सपोर्ट करें। लेकिन इन फ्यूचर मैं YouTube की टर्म्स एंड कंडीशन को दोबारा पढ़ूंगा, उसमें देखूंगा कि कहीं कुछ ऐसा है कि हम आपको दोबारा दिखा सकें या बता सकें कि एक्चुअल में कितनी पेमेंट आई है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको इनडायरेक्टली बताता हूं कि कितनी पेमेंट आई है। दरअसल पेमेंट इतनी है कि आप उसे एक बजट वाला स्मार्टफोन खरीद सकते हैं, यानी आप कुछ समझदार हैं कि एक बजट वाला स्मार्टफोन कितने का आता है, तो उतनी ही पेमेंट आई है फिलहाल के लिए, इससे ज़्यादा नहीं आई। क्योंकि हमारा जो चैनल है वो काफ़ी टाइम से होल्ड पर चल रहा था, मोनेटाइज में भी दिक्कत था, इसलिए जो हमारी पेमेंट है वो भी बहुत कम बनी है, इससे ज़्यादा नहीं बनी। तो दोस्तों ये थी सारी डिटेल चैनल मोनेटाइज होने से लेकर पेमेंट आने तक। अगर आपके चैनल मोनेटाइज होने में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हो सकता है उसका कोई सोल्यूशन निकल जाए। तो दोस्तों आज का सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।